यूपी के बरेली में अफसरों के नाम पर रुपए वसूलने वाला सिपाही सस्पेंड। ऑडियो वायरल होने के बाद सिपाही पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज। 10 लाख कहाँ से दे दूंगा मैं यार, कह रहा 10 लाख देता हूँ ठीक है ना, तो वंचित हो रहा है। 2-4 मुकदमे में और वंचित करूँगा, सख्त निर्देश है। तो फिर कैसे, क्या करूँ साहब, आ गए थाने? हाँ यही है साहब, मेरे पास ही है, बात करेंगे नहीं है। फतेहगंज पश्चिमी थाने पर तैनात अमरदीप सिपाही हुआ गिरफ्तार। स्मैक तस्कर सोनू कालिया से मांग रहा था 10 लाख रुपए। भ्रष्टाचार की शिकायत पर फतेहगंज पश्चिमी में हुआ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञानित हुआ है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें से दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसों की मांग कर रहा है। इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये जो ऑडियो है, एक सिपाही थाना फतेहगंज पश्चिम में अमरदीप है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो सोनू कालिया है, जो थाना मीरगंज से पूर्व से वांछित चल रहा है और उसके ऊपर MBW भी थाना मीरगंज से चल रहा है। साथ ही साथ इसमें 8/4/2022 को फतेहगंज पश्चिमी में सोनू कालिया के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है NDPS में और उसमें वो वहाँ से भी वांछित चल रहा था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।